असलम नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फरूक मिलने आता है मुतसिम से और कहता है कि मुतसिम, मुझे तुमसे इतनी घटियापन की उम्मीद तो नहीं थी। उस लड़की को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुम जानते हो कि मैं मीरब को चप्पे चप्पे पे ढूंढ चुका हूँ। आखिर वो कहाँ चली गई? मुझे कहीं नहीं मिल रही। वो चाहकर भी मुझे कोई मीरब का पता नहीं चल रहा। आखिर मुतसिम, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्या है मुतसिम? जब मुतसिम ये बात सुनता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सर पकड़कर बैठ जाता है, जिस पर फारूक ये बात सुनकर कहता है कि मुतसिम, सर पकड़ने से बैठने से अब कुछ नहीं होगा जब तक हम मीरब को ढूंढ नहीं लेते। एक बात याद रखना मुतसिम, जब तक हम मीरब का पता नहीं लगा लेते आराम से हम हाथ पे हाथ तरे बैठ नहीं सकते। मुतसिम कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जब मीरब मेरे पास नहीं थी तब भी मेरी मुश्किलात इसी तरह से बढ़ चुकी थी और अब मीरब इधर मेरे पास है फिर भी मेरी मुश्किलात वही की वही हैं। आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? तो नाजरीन, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर खालिद फारूक का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। फारूक जब घर आता है तो कहता है खालिद के, बताओ फारूक, क्या मीरब मिली तुम लोगों को? वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कुछ अता पता चला है मेरी बेटी का? उन्होंने तो मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है खुदारा, अब चाह कर भी अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं तो कतई तौर पर उन्हें माफ कर ही नहीं सकता। जिस पर फारूक सुनकर कहता है कि खालिद चचा, आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ करके हम, मैं और मुतसिम मीरब को ढूंढ लेंगे, बस एक दफा सबा वापस आ जाए, वो खुद बखुद बता देगी कि मीरब कहाँ है। क्या पता मीरब सबा के पास ही और सबा ने कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया हो। खालिद जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अल्लाह ये तुम्हारी जबान कबूल करे, बस मैं जल्द अज जल्द मीरब को यहाँ देखना चाहता हूँ और उसे मिलना चाहता हूँ। ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।